हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप? आप देखना शुरू कर चुके हैं एनपीएस नुइया वाली। आई एम वकील गोदारा, आपके सामने एक और टॉपिक लेके उपस्थित हैं। पहले हमने डिस्कशन किया था 10th क्लास का टॉपिक जो हमारा चल रहा था, सर्कल। तो सर्कल में हमने 10.1 और 10.2 के कुछ सम थे और थ्योरम थी वो हमने की थी, जिनका काफी अच्छा रिस्पॉन्स रहा। हो सकता है कि 2 डेज के अंदर आपने वो जो वर्क था वो कंप्लीट कर भी लिया था, क्योंकि 1 डे जो है वो हमारा 10th का रहता है, उसके बाद जो वर्क रहता है वो +2 का रहता है, और बीच बीच में +1 के टॉपिक भी हमारे चलते रहते हैं। तो आज 10th का जो हमारा चैप्टर चल रहा था सर्कल, उसका पार्ट 2 लेके हम आपके सामने उपस्थित हैं। उम्मीद करते हैं कि जैसे पहले वीडियोस के अंदर रिस्पॉन्स रहा है कि आपने वो वर्क अच्छी तरह से कंप्लीट कर लिया है, तो इसका भी वर्क जो है वो आप टाइम पे कंप्लीट कर लेंगे, ताकि जैसे ही आपका 1 या 2 डेज में कंप्लीट होता है वर्क, हम जो नेक्स्ट चैप्टर है वो स्टार्ट कर देते हैं। तो नेक्स्ट चैप्टर भी हम जल्दी ही शुरू करेंगे। तो देखते हैं 10.2 एक्सरसाइज जो है उसमें 3 सम आपके हो चुके थे जिसमें हमने डिस्कशन किया था पहली वीडियो में। अगर वो वर्क आपने नहीं किया है तो सबसे पहले आप वो वर्क कीजिए, उसके बाद ये एक्सरसाइज कीजिए, ताकि एक एक्सरसाइज दूसरे से कंटेक्ट में होती है तो इजी समझ में आएगी आपके। तो करते हैं स्टार्ट हमारा 10.2 का जो 4th सम है, काफी इंपॉर्टेंट सम है ये भी। प्रूव दैट द टेंशन ड्रो एट द एंड ऑफ द डायमीटर ऑफ ए सर्कल आर इक्वल। यानी क्या दिया हुआ है आपको? एक सर्कल दिया हुआ है, इस सर्कल पे एक डायमीटर है, ये ए बी एक डायमीटर है, ए बी एक डायमीटर है। तो वो कहता है कि टेंजेंट के ऊपर ड्रो है एंड ऑफ द डायमीटर, डायमीटर के एंड यहां पे है, इन दोनों डायमीटर्स के एंड पे 2 टेंजेंट लाइनें दी हुई है, एल और एम। हमें क्या प्रूव करना है? हमें प्रूव करना है एल जो है वो पैरेलल है एम के, चीज हमें प्रूव करनी है। गिवन क्या है? एक सर्कल है जिसका सेंटर ओ है और 2 टेंजेंट लाइनें दे रखी है एल और एम, जो कहां पे टच करती है? ए और बी पे टेंजेंट है इस सर्कल के। प्रूफ हमें एल पैरेलल एम करना है, तो प्रूफ में हमारे पास क्या है? अगर मैं ये कहूं कि ओ ए, ओ ए क्या है? रेडियस है। क्या है? रेडियस। ये परपेंडिकुलर है, किसके परपेंडिकुलर है? एल की। एल क्या है? एक टेंजेंट लाइन है। एल क्या है? टेंजेंट लाइन है। जैसा हम जानते भी हैं कि जो सेंटर होता है, सेंटर से अगर किसी टेंजेंट लाइन पे कोई भी लाइन ड्रॉ की जाती है तो वो क्या होती है? परपेंडिकुलर होती है। परपेंडिकुलर दैट मींस एंगल 1 और एंगल 2। एंगल 1 भी 90 डिग्री है और एंगल 2 भी हमारा 90 डिग्री। दूसरा OB रेडियस है, ये भी परपेंडिकुलर है किसके? M के परपेंडिकुलर है, क्योंकि M हमारी क्या है? एक टेंजेंट, आप कौन सी? L क्या है? टेंजेंट लाइन है। तो एंगल 3 एंगल 4, यानी एंगल 3 और एंगल 4 दोनों ही क्या है? 90 डिग्री है, क्योंकि उसके ऊपर परपेंडिकुलर है तो एंगल तो 90 डिग्री बनना ही है। अच्छा, अब देखिए एंगल जो 1 है वो एंगल किसके इक्वल है? 4 के इक्वल है। ये एंगल इसके इक्वल है, लेकिन ये एंगल इसके इक्वल है, क्यों? एज कितने डिग्री का है? 90 डिग्री का है। लेकिन एक चीज और भी है, क्या है? कि दोनों एंगल इक्वल भी है, एज 90 डिग्री है, लेकिन क्या है? अल्टरनेटिव इंटीरियर एंगल भी है। अल्टरनेटिव इंटीरियर एंगल यानी एक लाइन के अपोजिट साइड में अगर कोई एंगल बनता है तो वो क्या होते हैं? अल्टरनेटिव इंटीरियर एंगल होते हैं। और एक कंडीशन होती है कि अगर 2 एंगल्स आपस में अल्टरनेटिव इंटीरियर एंगल है तो वो दोनों लाइनें क्या होती हैं? दोनों लाइनें आपस में क्या होती है? पैरेलल होती है। यानी जहां भी ये कंडीशन आएगी कि 2 एंगल आपस में अगर अल्टरनेटिव इंटीरियर एंगल है तो डेफिनेटली ही दोनों लाइनें आपस में क्या होती है? पैरेलल होती है। हमने लाइन में हमने 9th क्लास में डिस्कशन भी इसके बारे में किया था कि अगर 2 एंगल अल्टरनेटिव इंटीरियर है तो वो लाइनें आपस में क्या होगी? तो पैरेलल होगी। तो एल पैरेलल किसकी हो जाएगी? एम। यही हमें प्रूव करना था, एल पैरेलल किसके है? एम। नेक्स्ट समझते हैं, प्रूव दैट
परपेंडिकुलर एट द पॉइंट ऑफ कंटेक्ट, एक पॉइंट ऑफ कंटेक्ट है, वहां से एक परपेंडिकुलर ड्रॉ होता है टू द टेंजेंट टू ए सर्कल पासिंग थ्रू द सेंटर। कहने का मतलब क्या है, मैं ड्रॉ के द्वारा बताता हूं कि आपको एक सर्कल दे रखा है, इस सर्कल पे एक टेंजेंट लाइन है ए बी, ए बी एक टेंजेंट लाइन है जो पी पे टेंजेंट है। तो वो कहता है कि सेंटर से हमने इसके ऊपर परपेंडिकुलर ड्रॉ किया है ओपी, तो हमें बताना है कि ये जो ओपी परपेंडिकुलर है ना, ये सेंटर से होके जाएगा। एग्जांपल के थ्रू बताना है, देखो लेट करना है, लेट क्या करना है, हमें गिवन है, क्या गिवन है, ए बी इज टेंजेंट लाइन, ए बी इज टेंजेंट लाइन एट पी ऑफ सर्कल सेंटर ओ, ओ एक सर्कल है उसका सेंटर ओ है जो परपेंडिकुलर ए बी पे कहां पे है, पी पे है। तो लेट करेंगे हम, क्या लेट करेंगे, ओ डैश पी इज परपेंडिकुलर ऑन ए बी, हमने ये लेट कर लिया कि ओपी तो परपेंडिकुलर था ही था, लेकिन ओ यहां से एक और सेंटर ले लिया ओ डैश, ये परपेंडिकुलर है पी पे, यानी ये तो परपेंडिकुलर है ही है और ये भी इसके परपेंडिकुलर लेट किया है। तो ओ डैश पी और बी एंगल कितना बनेगा, 90 डिग्री का बनेगा, क्योंकि हमने इसको लेट किया है, कंस्ट्रक्ट किया है उसको, और OP जो है वो परपेंडिकुलर है ही है AB पे, उसने दिया हुआ भी है भी परपेंडिकुलर है द पॉइंट ऑफ कांटेक्ट, तो एंगल OPB ये भी कितना बनेगा, 90 डिग्री। ये इक्वेशन 1 माने और ये इक्वेशन 2 माने, क्योंकि ये तो उसने दे ही रखा था, ये हमने कंस्ट्रक्ट किया है। तो इट मींस क्या होगा, एंगल O-PB जो है वो इक्वल है एंगल OPB, मतलब ये तो 90 डिग्री था ही था और ये और 90 डिग्री है, क्या ये पॉसिबल है, नहीं, क्योंकि एक पॉइंट से जो सेंटर होता है वहां से तो हम परपेंडिकुलर ड्रॉ कर सकते हैं, लेकिन दूसरे सेकंड पॉइंट से जो हमने सेंटर पे नहीं लिया, दूसरी साइड से जो लिया है वो नहीं हो सकता, दोनों इक्वल नहीं हो सकते, बिकॉज जो एंगल ओ डैश पी बी जो है वो लेस देन है किससे, एंगल ओ पी ओपी बी से लेस देन है। देख भी सकते हो आप, ये जो एंगल है इस पूरे एंगल से लेस देन, हमें पता भी लग रहा है, तो लेस देन है तो वो इक्वल नहीं हो सकता, इक्वल नहीं हो सकता तो इट इज नॉट पॉसिबल, ये पॉसिबल नहीं है, ये पॉसिबल नहीं है, इसलिए द परपेंडिकुलर, द परपेंडिकुलर थ्रो through AB, the perpendicular through AB at P through AB at P passing through center, कहां से passing through करेगी, passing through center, यानी AB से जो भी लाइन हम ड्रॉ करेंगे, P से जो ड्रॉ करेंगे वो कहां से होके जाएगी, वो सेंटर से ही होके जाएगी, क्योंकि हमने कंडीशन लगा के चेक कर दिया कि एक ही लाइन जो होगी जो सेंटर से क्रॉस करेगी, अगर दूसरा पॉइंट हम कहीं भी लेते हैं चाहे वो परपेंडिकुलर लेते हैं तो वहां से वो पॉसिबल नहीं। नेक्स्ट समाधान, द लेंथ ऑफ द टेंजेंट, टेंजेंट की लेंथ फ्रॉम ए पॉइंट ए, ए से एक पॉइंट से एट डिस्टेंस 5 सेंटीमीटर फ्रॉम द सेंटर, यानी ये जो ए पॉइंट है वो सेंटर से कितने डिस्टेंस पे है, 5 मीटर के डिस्टेंस पे है, उस टेंजेंट की लेंथ कितनी है, उस टेंजेंट की लेंथ 4 सेंटीमीटर है, क्या निकालना है, रेडियस, जैसा हमने पहला सम किया था ना एक एक्सरसाइज का उस वीडियो के अंदर, वो सेम है कि आपके पास एक सर्कल दे रखा है, इस सर्कल से एक पॉइंट है ए, वो ए पॉइंट सेंटर से कितने मीटर की डिस्टेंस, कितने सेंटीमीटर के डिस्टेंस पे है, 5 सेंटीमीटर से है, और इस ए से ही एक टेंजेंट है ए बी, उस टेंजेंट की लेंथ कितनी है, 4 सेंटीमीटर, हमें क्या निकालना है, हमें क्या निकालना है, ये रेडियस हमें फाइंड करना है,
यानी ओबी क्या है, रेडिएशन। तो मैंने बताया था कि ओबी जो है वो परपेंडिकुलर किसके ऊपर है, एबी पे। एबी पे अगर वो परपेंडिकुलर है तो इट मींस कौन सी ट्रायंगल बन गई, राइट एंगल ट्रायंगल बनी है। तो राइट एंगल ट्रायंगल बनेगी तो कौन सा फॉर्मूला लगाएंगे, बाय पाइथागोरस थ्योरम, बाय पाइथागोरस थ्योरम। तो पाइथागोरस थ्योरम का हम यूज करेंगे भाई। पाइथागोरस में क्या होता है, हाइपोटेनियस का स्क्वायर, बेस का स्क्वायर प्लस परपेंडिकुलर का स्क्वायर। तो पाइथागोरस थ्योरम में हाइपोटेनियस क्या होगा, मैंने बताया जो 90 डिग्री का एंगल बनता है उसके सामने का पार्ट हमेशा हाइपोटेनियस होता है, और जहां 90 डिग्री का एंगल बनता है वो बेस होता है, और सामने उसके क्या होता है, परपेंडिकुलर होता है। तो हाइपोटेनियस आपके पास कितना है, 5 का स्क्वायर, बेस कितना है, 4 का स्क्वायर, और परपेंडिकुलर क्या है, r स्क्वायर। 25 इक्वल टू 16 प्लस r स्क्वायर, 16 इधर आके माइनस होगा, इक्वल टू क्या बचेगा, r स्क्वायर। 9 इक्वल टू r स्क्वायर, r की वैल्यू कितनी आ जाएगी, रूट 9, यानी 3 सेंटीमीटर आपका क्या आएगा, रेडियस आएगा। नेक्स्ट सम है जो काफी इंपोर्टेंट भी है, बहुत बार एग्जाम में पूछा भी जाता है, इसकी स्टेटमेंट चेंज करके भी पूछा जाता है। टू कंसेंट्रिक सर्कल, कंसेंट्रिक क्या होता है, ऐसे दो सर्कल जिनका सेंटर क्या हो, एक हो। आर रेडियस, दोनों की अलग अलग रेडियस दे रखी है, 5 सेंटीमीटर और 3 सेंटीमीटर है। लेंथ निकालनी है उस कॉर्ड की, जो लार्जर सर्कल को तो टच करके जाती है, लार्जर सर्कल से तो वो कॉर्ड है, लेकिन टच किसको करती है, स्मॉलर सर्कल को। यानी आपने एक सेंटर ले लेना है, इस सेंटर से एक तो आपने सर्कल खींच दिया 3 सेंटीमीटर का छोटा सर्कल, एक बड़ा सर्कल सेंटर सेम ही रहेगा, इसी सेंटर से 5 सेंटीमीटर का रेडियस लेकर आपने एक सर्कल खींच देना है। तो अब दो सर्कल हो गए, एक का रेडियस 5 सेंटीमीटर हो गया और एक का सेंटर का रेडियस 3 सेंटीमीटर। तो यहां से एक कॉर्ड से हमने टच की है जो स्मॉलर सर्कल को टच करके जाती है, तो ए बी एक कॉर्ड है, ए बी इज ए कॉर्ड, ए बी इज ए कॉर्ड, ठीक है। अच्छा ये सेंटर था, इस सेंटर को मैं इसके साथ मिलाऊंगा तो ये रेडियस कितना हो गया, 5 सेंटीमीटर। इसको इसके साथ मिलाऊंगा तो ये रेडियस कितना है, 3 सेंटीमीटर। ये OM है, तो OM जो है वो परपेंडिकुलर है किसके ऊपर, AB के ऊपर परपेंडिकुलर। और जब मैंने बताया था कि अगर किसी सेंटर से परपेंडिकुलर ड्रॉ किया जाता है टेंजेंट लाइन पे, तो उसको दो पार्ट में डिवाइड कर देता है, मीनिंग AM किसके इक्वल हो जाएगा, MB के। अच्छा अब देखिए, ये जो ट्रायंगल है ये परपेंडिकुलर है तो कौन सी ट्रायंगल बनेगी, कौन सी बनेगी, राइट एंगल ट्रायंगल बनी है। अपन देखेंगे ट्रायंगल OAM कौन से फॉर्मूले से राइट एंगल है, तो बाय पाइथागोरस, बाय पाइथागोरस थ्योरम। तो पाइथागोरस थ्योरम से क्या निकालेंगे, हाइपोटेनियस का स्क्वायर, बेस का स्क्वायर प्लस परपेंडिकुलर का स्क्वायर। हाइपोटेनियस कितना है, 5 का स्क्वायर, बेस हमें निकालना है, परपेंडिकुलर कितना है, 3 का स्क्वायर। 25 AM स्क्वायर प्लस में 3 का स्क्वायर कितना हो गया, 9, ये 9 इधर आके माइनस हो जाएगा, क्या रह गया, AM स्क्वायर। तो 16 इक्वल टू AM स्क्वायर, यानी AM क्या आ गया हमारा, 16 का, इधर से स्क्वायर हटाएंगे इधर रूट आ जाएगा 16 का स्क्वायर, यानी AM कितना आया है, 4 सेंटीमीटर। लेकिन निकालना क्या है, हमें क्या निकालना है, लेंथ ऑफ कॉर्ड निकालनी है, यानी पूरी AB हमें फाइंड करनी है। तो AB क्या है, AB है AM प्लस MB, और मैंने बताया कि AM किसके इक्वल है, परपेंडिकुलर, तो MB के, मतलब जितनी AM है उतनी MB है। तो AB कितनी है, AM 4 सेंटीमीटर है, तो MB भी कितनी होगी, 4 ही होगी, 4 प्लस 4, यानी लेंथ ऑफ कॉर्ड कितनी आई है, 4 प्लस 4 8 सेंटीमीटर आपकी लेंथ ऑफ कॉर्ड। एक क्वाड्रिलेटरल दे रखा है एबीसीडी इज ड्रॉन टू सर्कमस्क्राइब ए सर्कल, मतलब क्या है कि एक सर्कल है, इस सर्कल के सर्कमस्क्राइब के अंदर एक क्वाड्रिलेटरल आपको दे रखी है, इस तरीके की क्वाड्रिलेटरल आपको दे रखी है।
उसने दे रखा है गिवन फिगर, अगर फिगर नहीं दे रखा तो हम बना भी सकते थे। तो इसमें है ए बी सी डी चार पॉइंट्स, ए पी क्यू आर एस, चार जो पॉइंट है जहां पे वो टेंजेंट टच करती है सर्कल। प्रूफ में पहले हमने सॉल्यूशंस के अंदर गिवन दे रखा है, तो गिवन में तो आप लिख सकते हो क्या कि ए बी सी डी एक क्वाड्रेंट सर्कमस्क्राइब सर्कल, एक सर्कल के सर्कमस्क्राइब्स है, ये गिवन में आप लिख सकते हो जो आपको दे रखा है। प्रूफ हमें क्या करना है वो भी हमें दे रखा है, क्या प्रूफ करना है कि ए बी प्लस सी डी इक्वल है ए बी प्लस बी सी के इक्वल। अच्छा कोई बात नहीं, प्रूफ देखो हमारे पास क्या क्या है। अब देखिए ये लाइन टेंजेंट है, ये लाइन टेंजेंट है, तो एपी इक्वल होगा एएस के, कंडीशन वन। क्यों? टेंजेंट लाइन में ऑलवेज इक्वल, टेंजेंट लाइंस आर इक्वल, टेंजेंट लाइंस क्या होती है हमेशा इक्वल होती है, हो गया। दूसरा क्या है पीबी किसके इक्वल है, सी की, सी क्यू के, पी बी इक्वल है सी क्यू के, क्योंकि ये भी दोनों टेंजेंट लाइन है। अच्छा सी क्यू जो है वो किसके इक्वल है, सी आर के इक्वल है, तो सी क्यू बी क्यू, सॉरी यहां पे आएगा बी क्यू, क्योंकि पी बी किसके इक्वल है बी क्यू के। अच्छा सी क्यू किसके इक्वल है सी आर के। अब देखो एक चीज थोड़ा सा लॉजिक यहां याद रखना कि सी क्यू जो है ना वो इसके इक्वल है, तो क्यों बड़े हमने एक तरफ रखने की कोशिश करनी है और रखने भी पड़ेंगे हमें, तो क्यू सी जो है वो किसके इक्वल है सी आर के, क्योंकि पी वाले एक तरफ कर लिए तो क्यू वाले हमें एक तरफ करने पड़ेंगे। उसके बाद आर डी जो है वो किसके इक्वल है टेंजेंट लाइन में, डी एस के इक्वल है, तो आर डी, आर डी इस साइड आ जाएगा और किसके इक्वल है डी एस के, तो डी एस हम इस साइड लिख देंगे क्योंकि एस वाला इधर दे रखा है। ये कंडीशन टू हो गई, ये थ्री हो गई, ये कंडीशन फोर हो गई, क्यों होगी सारी यहां एक ही कंडीशन बता रखी है कि टेंजेंट लाइनें आपस में क्या होती है इक्वल होती है। अब क्या करना है एडिंग वन टू थ्री फोर, एडिंग वन टू थ्री एंड फोर, चारों इक्वेशंस को ऐड करना है हमने। देखो ऐड कैसे करना है, इस साइड वाले आपस में ऐड करना है, इस साइड वाले आपस में ऐड करना है, क्या आएगा एपी प्लस पीबी प्लस सीआर प्लस आरडी, एएस प्लस बीक्यू प्लस क्यूसी प्लस डीएस, आपस में ऐड कर दिया। अच्छा अब चेक कीजिए आप एपी और पीबी को ऐड किया है, एपी और पीबी, इस एपी और पीबी को ऐड करूं तो क्या बनेगा, एबी बनेगा कि नहीं बनेगा, क्योंकि दोनों को ऐड करूंगा तो पूरी टेंजेंट लाइन बनेगी ना। सीआर और आरडी, सीआर आरडी दोनों को ऐड करूंगा तो पूरी टेंजेंट लाइन बनेगी कौन सी, सीडी इक्वल टू में। एएस और डीएस, एएस या डीएस या एसडी एक ही बात है, दोनों को ऐड करूंगा तो कौन सी टेंजेंट लाइन बनेगी, एडी बनेगी। बीक्यू और क्यूसी दोनों को ऐड करूंगा तो कौन सी टेंजेंट लाइन बनेगी, बीसी बनेगी। तो हमें चाहिए क्या था, क्या चाहिए था, यही चीज हमें प्रूव करनी थी कि एबी प्लस सीडी इक्वल टू एडी प्लस बीसी, तो इस तरीके से आप इसको प्रूव कर सकते हैं। अब नाइन सम जो है इसकी स्टेटमेंट काफी बड़ी दे रखी है जो आपने खुद पढ़नी है, लेकिन स्टेटमेंट के साथ इसका फिगर आपको दे रखा है, ये मैं समझा देता हूं कि आपको एक्स वाई और एक्स डैश वाई डैश दो आपको पैरेलल लाइन दे रखी है और बीच में एक सर्कल दे रखा है, सर्कल में पी क्यू आपको डायमीटर दे रखा है जिसका सेंटर ओ है सर्कल का, ए बी जो है वो एक टेंजेंट लाइन दे रखी है जो टेंजेंट जिस पे करती है सी पे टेंजेंट होती है। हमें प्रूव क्या करना है, हमें प्रूव करना है कि एंगल जो ए वो बी बनेगा ना वो 90 डिग्री का एंगल बनेगा, यानी ये एंगल 90 का बनना चाहिए, ठीक है। कंस्ट्रक्ट कर लो, कंस्ट्रक्ट में हमें थोड़ा सा एक कंस्ट्रक्शन करना होता है, रचना करनी होती है कि मीट ओसी, ओसी को मिला दो आप, इसको मिला दो
मिला लिया। अब देखो प्रूफ में क्या क्या करना है। प्रूफ में स्टेटमेंट आप अच्छी तरह से पढ़ लेना, सेम ही स्टेटमेंट है। अब एक ट्रायंगल लो आप, पी ओ ए एंड ट्रायंगल सी ओ ए, यानी ये दो ट्रायंगल ले लिया आपने, ठीक है। दोनों ट्रायंगल्स में क्या आता है, एक तो पी ओ इक्वल टू है ओ सी, क्या है रेडियस है, दो इक्वल होता है, होता ही है, ये रेडियस इस रेडियस पे इक्वल है। ओ ए इक्वल टू ओ ए क्या है, कॉमन है दोनों में, आ रहा है ना कॉमन, चेक भी कर सकते हो आप दोनों ट्रायंगल्स में कॉमन आ रहा है। अच्छा पी ए इक्वल है सी ए, क्या है टेंजेंट लाइन है दोनों, और आपको पता है कि टेंजेंट लाइंस क्या होती है, आपस में इक्वल होती है, ये टेंजेंट लाइन इसके इक्वल होती है। अगर तीनों साइडें इक्वल होती है तो ट्रायंगल क्या हो जाएगी, पी ओ ए कॉन्ग्रुएंट हो जाएगी ट्रायंगल किसके, सी ओ ए के, किससे, साइड 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 की प्रॉपर्टी से हो गई। अगर ये ट्रायंगल इक्वल हो गई, दोनों ट्रायंगल इक्वल हो गए, इसका मतलब एंगल जो पी ओ ए है वो किसके एंगल इक्वल होगा, सी ओ ए के, यानी ये एंगल इस इतने एंगल्स के इक्वल होगा, ठीक है। सिमिलरली आप क्या करोगे, अगर मैं कहूं कि ट्रायंगल क्यू ओ बी कॉन्ग्रेंट है किस ट्रायंगल के, सी ओ बी के, ये ट्रायंगल इसके भी कॉन्ग्रेंट हो जाएगी। प्रूव करके भी देख सकते हो कि ओ क्यू जो है वो ओ सी रेडियस है, ओ बी कॉमन है, बी क्यू और बी सी दोनों क्या है टेंजेंट लाइन है, जैसे ऊपर की थी सेम, तो अगर ये कॉन्ग्रेंट होगी तो क्यू ओ बी इक्वल होगा एंगल सी ओ बी के, यानी ये एंगल और ये एंगल भी दोनों आपस में क्या होंगे, इक्वल होंगे। अब दोनों एंगल इक्वल होंगे तो अब चेक कीजिए आप, एंगल पीओए प्लस एंगल सीओए प्लस एंगल क्यूओबी और प्लस एंगल सीओबी, इनका एंगल का सम कितना होगा, 180 होगा। क्यों होगा, क्योंकि दिस इज अ स्ट्रेट लाइन, दिस इज स्ट्रेट लाइन है, और स्ट्रेट लाइन में क्या बनता है, लीनियर पेयर बनता है स्ट्रेट लाइन में। चेक कीजिए इसको, पी ओ ए सी ओ ए ये एंगल पूरा बन गया, बी ओ क्या ओ बी और सी ओ बी ये एंगल बन गया, यानी इन चारों एंगल्स को ऐड किए तो चारों एंगल्स को ऐड करने पे स्ट्रेट लाइन बन जाती है, और स्ट्रेट लाइन पे जो सभी एंगल जितने भी दे रखे हैं वो लीनियर पेयर बनता है, और लीनियर पेयर के एंगल्स का सम कितना होता है, 180 होता है ना 180। चेक कीजिए पी ओ ए की जगह क्या लिख सकते हैं, सी ओ ए, दोनों इक्वल है तो यहां क्या लिख दूंगा, सी ओ ए प्लस में सी ओ ए तो है ही है, क्यू ओ बी की जगह क्या लिखूंगा, सी ओ बी, यहां क्या लिखूंगा एंगल सी ओ बी, पहले कौन सा है, सी ओ बी ए 180। अब ये भी दो बार बन गया और ये भी दो बार बन गया, तो टू कॉमन आ जाएगा, एंगल क्या बचेगा, सी ओ ए प्लस सी ओ बी इक्वल टू 180, एंगल सी ओ ए प्लस एंगल सी ओ बी इक्वल टू क्या आ गया, 180। ये मल्टीप्लाई में है, डिवाइड में करेंगे कितना आ गया, 90। लेकिन चाहिए क्या, ए ओ बी चाहिए, चेक कीजिए सी ओ बी सी ओ ए ये एंगल बन गया, सी ओ बी ये एंगल बन गया, अगर इन दोनों एंगल्स को जोड़ूंगा तो क्या बनेगा, एओ बी, यानी एंगल एओ बी कंप्लीट बन गया दोनों के सम में, किसके इक्वल टू कितना आ गया, 90। प्रूफ क्या करना था, एओ बी इज 90। नेक्स्ट हम आता है कि टू दैट द एंगल बिटवीन द टू टेंजेंट्स, दो टेंजेंट लाइनों के बीच का एंगल, यानी आपको एक सर्कल दे रखा है, इस सर्कल में ये दो टेंजेंट लाइनें दे रखी है, टेंजेंट लाइन कौन सी है, पी से अगर मैं पी ए और पी बी दो टेंजेंट लाइनें ड्रॉ करूं तो इनके जो बीच का एंगल बनेगा, टेंजेंट लाइनों के बीच का एंगल जो है, ड्रॉ फ्रॉम द एक्सटर्नल पॉइंट्स, एक्सटर्नल पॉइंट पी से जो दो टेंजेंट लाइनें ड्रॉ की जाती है, इन सर्कल के ऊपर सप्लीमेंट्री एंगल्स है, हमें ये प्रूव करना है।
बाई द लाइन सेगमेंट ज्वाइनिंग द पॉइंट कॉन्टेक्ट एट सेंटर। कहने का मतलब है कि अगर इससे P पॉइंट से हमने दो टेंजेंट लाइन इसके ऊपर ड्रॉ की है ना, तो जो दो टेंजेंट लाइन ड्रॉ की है तो इन दोनों एंगल्स का अगर सम मालूम है तो वो कितना होना चाहिए, 180 आना चाहिए। सप्लीमेंट्री एंगल्स क्या होता है, सम ऑफ द टू एंगल इज 180 डिग्री। देखो क्या प्रूव करना है, प्रूव करना है एंगल ए ओ बी प्लस एंगल ए पी बी दोनों का सम कितना आना चाहिए, 180 आना चाहिए। ठीक है, करेंगे हम प्रूफ में। देखो ओ ए जो है ओ ए वो परपेंडिकुलर है ए पी पे, पता ही है क्योंकि रेडियस जो होता है वो परपेंडिकुलर होता है टेंजेंट लाइन पे, यानी इतना रेडियस इज परपेंडिकुलर टू टेंजेंट। ठीक है, तो एंगल 1 इक्वल टू कितना बन गया, 90 डिग्री। 1 ले लो या ओ ए पी ले सकते हो आप, तो हमने एंगल 1 लिख लिया। अच्छा ओ बी जो है वो भी परपेंडिकुलर है किसके ऊपर, पी बी लाइन पे, पी बी टेंजेंट्स के ऊपर, लिख सकते हैं ब्रैकेट में। तो एंगल 2 जो है वो भी कितने डिग्री है, 90। इसको एंगल क्या मान लिया, 2 मान लिया। 2 भी मान सकते हैं, ओ पी बी भी, ओ बी पी भी मान सकते हैं। अब देखिए एंगल ए ओ बी प्लस एंगल 1 प्लस एंगल ए पी बी प्लस एंगल 2 360 किसका, एंगल ऑफ क्वाड्रिलेटरल्स, एंगल ऑफ क्वाड्रिलेटरल। क्वाड्रिलेटरल्स के एंगल्स का सम कितना होता है, 360 होता है। तो एंगल ए ओ बी निकालना है, एंगल 1 कितना है, 90 डिग्री है। ए पी बी निकालना है, 2 कितना है, 90 डिग्री इक्वल टू क्या हो गया, 360। इन दोनों एंगल्स का सम 180 हो गया, 180 उधर जाके माइनस हो जाएगा। तो एंगल ए ओ बी प्लस एंगल ए पी बी इक्वल टू 360 माइनस 180। तो क्या रहेगा, एंगल ए ओ बी प्लस एंगल ए पी बी 360 में से 180 जाएगा तो इक्वल टू कितना बचेगा, 180। यही हमें प्रूव करना था कि AOP प्लस APB इक्वल टू कितना आना चाहिए, 180 आना चाहिए, और यही हमें प्रूव करना था। नेक्स्ट वन, प्रूव दैट पैरेललोग्राम सर्कमस्क्राइबिंग ए सर्कल इज ए रोम्बस। यानी इसकी आकृति नहीं थी, हमें बनानी पड़ेगी कि एक आपके पास सर्कल है, एक सर्कल है, इस सर्कल के ऊपर क्या है, आपको एक पैरेललोग्राम दे रखा है, ये पैरेललोग्राम दे रखा है ए बी सी डी, टच कहां करते हैं, पी क्यू आर एस। आकृति सेम बन गई ना, कौन सी, जो एक सम में बनी थी, सेम ही होगा, थोड़ा सा डिफरेंस है। देखो क्या है, गिवन क्या है, ए बी सी डी इज पैरेललोग्राम है, क्योंकि पैरेलल लाइन लिख के ग्राम लिख देंगे ना, जीएम लिख देंगे तो पैरेललोग्राम बन जाता है। और पैरेललोग्राम में क्या होता है, अपोजिट साइडें, अपोजिट साइडें क्या होती है, आपस में इक्वल होती है। ए बी किसके इक्वल हो जाएगी, सी डी के। ए डी किसके इक्वल हो जाएगी, बी सी के। प्रूव क्या करना है, प्रूव क्या करना है कि ए बी सी डी क्या है, रोम्बस है, और रोम्बस में क्या होता है, ऑल साइड्स आर इक्वल होती है। हमें प्रूव करना है कि सारी साइडें इक्वल है, वी विल ट्राई, करेंगे। तो ए पी जो है वो किसके इक्वल है, ए एस के, ए पी ए एस के इक्वल है, क्यों है, टेंजेंट लाइन है भाई, और टेंजेंट लाइन हमेशा क्या होती है, इक्वल होती है। पी बी बी के ओके, जैसा मैंने इर्थ में बताया था सेम करना है, बी क्यू कंडीशन टू टेंजेंट लाइन। तीसरा क्यू सी, क्यू सी किधर आएगा, इस साइड आएगा, क्योंकि ऑलरेडी पहले क्यू इस साइड दे रखा है, किसके इक्वल होगा, सी आर के। और आर डी किसके इक्वल होगा, डी एस के। ये ट्रायंगल 3 हो गई, ये इक्वेशन 3 होगी, इक्वेशन 4 होगी, क्यों, टेंजेंट लाइन में है।
अब क्या करना है, एडिंग 1 2 3 4, एडिंग 1 2 3 एंड 4, चारों को ऐड करेंगे, इस साइड ऐड कर दो, इस साइड ऐड कर दो, एपी प्लस पीबी प्लस सीआर प्लस आरडी इक्वल एएस प्लस बीक्यू प्लस क्यूसी प्लस डीएस। देखिए एपी और पीबी दोनों इक्वल है तो क्या लिखेंगे, एबी लिख सकते हैं, सीआर और आरडी इक्वल है मतलब सीडी, यहां से भी चेक कर सकते हैं, एएस और डीएस क्या बनेगा एडी, और बीक्यू और क्यूसी बीसी बनेगा। यहां तक तो हमने एट चैप्टर भी एट सम जो था वो भी हमने प्रूव किया था। अब हमें क्या दे रखा है कि एबी जो है वो सीडी के इक्वल है और एडी किसके इक्वल है, बीसी के इक्वल है, तो सीडी की जगह क्या लिखूंगा एबी, तो क्या बनेगा एबी प्लस एबी, एडी बीसी किसके इक्वल है एडी के, तो बीसी की जगह क्या लिखूंगा एबी, यानी क्या बन गया 2AB इक्वल बन गया 2AB, 2 से 2 कैंसिल कर दो तो क्या आ जाएगा एबी, एबी किसके इक्वल है एडी के, और एडी किसके इक्वल है बीसी के, यानी एडी किसके इक्वल है बीसी, और एबी किसके इक्वल है सीडी, और वैसे एबी किसके इक्वल आ गया एडी, यानी चारों साइडें आपस में क्या आ गई इक्वल आ गई, और चारों साइडें इक्वल आ गई तो एबीसीडी क्या है, क्या बन गया एबीसीडी, जो पैरेलल लेके चले थे वो पैरेललोग्राम में से क्या बन गया रोम्बस बन गया। इस तरीके से हम प्रूव कर सकते हैं। नेक्स्ट सम आता है 12, जिसमें स्टेटमेंट काफी लंबी दे रखी है, आप पढ़ सकते हो स्टेटमेंट को अच्छी तरह से। बेसिक पार्ट में बता देता हूं कि आपको ट्रायंगल दे रखी है एबीसी, जिसमें दो लाइनें दे रखी है कि ये 6 सेंटीमीटर सीडी और डीबी जो है वो 8 सेंटीमीटर है, और एक ये आपको रेडियस दे रखा है 2 सेंटीमीटर। हमें क्या निकालना है, एरिया ऑफ ट्रायंगल निकालना है। तो एरिया ऑफ ट्रायंगल में दो एरिया आएंगे यहां पे, एक तो आउटसाइड का एरिया आएगा पूरी ट्रायंगल एबीसी का, और एक एरिया इनसाइड का आएगा। इनसाइड में मैं अगर इनको मीट कर लूं, यहां अगर इनको मीट करूं तो क्या क्या बनेगा वो बताता हूं, यहां ई पॉइंट बन गया, यहां एफ पॉइंट बन गया, तो एक तो एरिया आ गया एबीसी का वो हम फाइंड कर लेंगे, दूसरा एरिया आएगा एओसी बीओसी और एओबी, इन तीनों ट्रायंगल्स का इनसाइड वालों का एरिया ऐड करेंगे तो भी एबीसी का बनेगा, और आउटसाइड का करेंगे वो भी एबीसी का बनेगा, दोनों का एरिया निकाल के हमें इक्वल लिखना है। चेक कीजिए, अच्छा सीडी जो 6 है तो सीएफ कितनी होगी 6 सेंटीमीटर होगी, इसको हम ए लेफ्ट करेंगे क्योंकि टेंजेंट लाइन इक्वल होती है, तो ये 6 है तो ये तो 6 होनी होगी। अच्छा बीडी, बीडी किसके इक्वल है बीई के, तो ये 8 है तो ये भी 8 सेंटीमीटर होगी, इसको हम लेफ्ट करेंगे बी। अच्छा तीसरा नहीं, इस पूरी साइड को यानी सीबी और सीएफ ये दोनों इक्वल है 6 साइड, इसको ए नहीं लेफ्ट करेंगे एक बार। अच्छा दूसरा क्या है बीई, बीई बीई ये तो 8 सेंटीमीटर हो गया, एएफ इक्वल है ए के, इसको लेट करेंगे क्या लेट करेंगे एक्स सेंटीमीटर, ये एक्स सेंटीमीटर। इसके बाद एसी एक ए बी एक साइड है, ए बी कितनी बन गई एक्स प्लस 8, यानी इसको ए लेट करो आप। बीसी एक पूरी साइड है 6 प्लस 8 यानी 14, इसको बी लेट करो। तीसरा क्या है एसी, एसी क्या है एक्स प्लस 6 यानी इसको सी साइड। अब देखो तीन साइड हमें दे रखी है, अगर तीनों साइडें दे रखी हो और हमें इसका एरिया फाइंड करना हो, तो वैसे तो ट्रायंगल्स का एरिया होता है 1/2 बेस इनटू हाइट, लेकिन जब हमें बेस तो दे रखा है लेकिन आउटसाइड की हाइट नहीं दे रखी, इनसाइड की हाइट जरूर दे रखी है उसने, बेस इनसाइड का निकालेंगे तो वो यूज कर सकते हैं, आउटसाइड की नहीं दी, तो हमें एक फॉर्मूला होता है आपने सुना होगा हीरोन फॉर्मूला,
जिसमें हम एस फाइंड करते हैं। एस फाइंड करने का फॉर्मूला क्या होता है, ए प्लस बी प्लस सी। हीरोन फॉर्मूले से हम इसे एरिया निकालेंगे ट्रायंगल एबीसी का। ए क्या है, एक्स प्लस एट, बी क्या है 14, सी क्या है एक्स प्लस सिक्स अपॉन कितना है 2। कितना बढ़ जाएगा, x और x 2x, इसको ऐड करेंगे 14 और 8 22 और 6 28 बाई 2। 2 कॉमन हुआ तो क्या बनेगा, x प्लस 14 अपॉन 2, 2 से 2 कैंसिल हो गया, x प्लस 14 आया हमारा, ऐसा आ गया। अच्छा ऐसा आने के बाद क्या निकालेंगे, s माइनस a निकाल लो, क्योंकि हीरोन फॉर्मूले में क्या होता है, पूरे का रूट s s माइनस a ब्रैकेट में आ जाएगा, फिर s माइनस b आ जाएगा, फिर अगली ब्रैकेट में s माइनस c, तीनों मल्टीप्लाई में होता है, तो s माइनस a करेंगे। s कितना है, x प्लस 14, a साइड कौन सी, ये माइनस करेंगे तो माइनस का ही x हो जाएगा, माइनस का ही 8 हो जाएगा, कैंसिल होके कितना रह गया 6। s माइनस b, s कितना है, x प्लस 14 है, b कितना माइनस करेंगे 14, ये कैंसिल कर दो x आ गया। s माइनस c, x प्लस 14 में से c साइड क्या है, ये माइनस करेंगे, माइनस का x हो जाएगा और माइनस का ही 6 हो जाएगा, माइनस से माइनस करके कितना रहेगा 8 रहेगा। अब देखिए एरिया ऑफ ए ट्रायंगल ए बी सी का क्या आएगा, s s माइनस ए, s माइनस बी और s माइनस सी। s कितना है, x प्लस 14 है, s माइनस ए कितना है 6 है, इंटू में x है, इंटू में 8 है, यानी कितना हो गया 48 और x प्लस 14। ये किसका एरिया, ट्रायंगल एबीसी का आया है। अच्छा अब देखिए एरिया ऑफ बी एओबी, एओबी का क्या होता है, 1/2 बेस इंटू हाइट, 1/2 एओबी। देखिए एओबी बेस कितना बनता है ए प्लस बी का, एक्स प्लस 8 बनता है, एक्स प्लस 8। हाइट कितनी है, हाइट देखो ये रेडियस 2 है तो ये रेडियस भी 2 होगा और ये रेडियस भी 2 होगा, यानी हाइट इसकी कितनी होगी, इंटू में 2, 2 से 2 कैंसिल हो गया, तो यानी एरिया इसका कितना आ गया, एक्स प्लस 8 आ गया। अच्छा एरिया ऑफ बीओसी, बीओसी में 1/2 बेस कितना है, 8 प्लस 6 14 हो गया, सॉरी हाइट जो है ना इसकी, इसकी 4 सेंटीमीटर हाइट है, 4 सेंटीमीटर, सॉरी 4 सेंटीमीटर है, यहां 4 आएगा तो 2 से कैंसिल होगा 2, यानी 2x प्लस 16 आएगा, तो इसकी हाइट कितनी है, बेस 14 हो गया, हाइट 4 है, यानी 2 पे कैंसिल करेंगे 28 सेंटीमीटर। तीसरा एरिया किसका आएगा, एरिया ऑफ COA, तो 1/2 COA, बेस कितना है, x प्लस 6 है, x प्लस 6, हाइट कितनी आ गई अपनी 4, इसको 2 पे काट, यानी 2x प्लस 12 आ गया, इन तीनों का एरिया आ गया। अब क्या करना है, जो एरिया ऑफ एबीसी है वो किसके इक्वल लिखना है, एरिया ऑफ एओबी प्लस एरिया ऑफ बीओसी प्लस एरिया ऑफ सीओए, तीनों एरियाज को ऐड करके लिखना है। देखिए ये तो क्या आया था, रूट का 48 एक्स प्लस 14, ये आया है 2x प्लस 16, ये आया आपका 28 और ये है 2x प्लस 12, यानी रूट 48 एक्स प्लस 14, 2x और 2x 4x, 16 और 12 28 और 28 58, यहां से 4 कॉमन ले लो, x प्लस कितना बचेगा 56 बचेगा, सॉरी x प्लस 14 बचेगा। अब यहां क्या करना है, आपने स्क्वेयरिंग बोथ साइड करनी है, स्क्वेयरिंग करेंगे इधर से रूट कट जाएगा x प्लस 14, इधर रूट कट है इधर स्क्वेयर हो जाएगा, स्क्वेयर हो जाएगा 4 का स्क्वेयर कितना होता है 16 होता है, और x प्लस 14 का क्या हो जाएगा होल स्क्वेयर हो जाएगा।
देखिए अब x प्लस 14 है ये डिवाइड में चला जाएगा, ये 16 है ये इसके डिवाइड में आएगा, सॉरी यहां पे हम x भूल गए थोड़ा, x x x क्योंकि x मल्टीप्लाई में था। तो अब इस साइड को मैं थोड़ा सा यहां लेके जाऊंगा, 48x के अपॉन में तो आएगा ये 48x के अपॉन में आएगा 16, और इधर जो x प्लस 14 का स्क्वायर है, x प्लस 14 का जो स्क्वायर है ये जो x प्लस 14 है ये इसके डिवाइड में जाएगा, इसको स्क्वायर करके डिवाइड करके हल करोगे थोड़ा लेंथ ही जाएगा, तो इसको इसके डिवाइड में ले जाओ कैंसिल हो जाएगा, इसको इसके डिवाइड में ले जाओ कैंसिल हो जाएगा, कर सकते हैं हम ऐसा, हमारे पास अथॉरिटी है ही। तो इसके अपॉन में क्या आ जाएगा x प्लस 14, 2 पावर में से 1 पावर कैंसिल होगी, 16 3 जा 48 हो गए, यानी 3x इक्वल टू बचा है x प्लस 14, x इधर आके माइनस होगा इक्वल टू 14, यानी 2x इक्वल टू 14 और x की वैल्यू कितनी आ गई 7, x की वैल्यू आई है 7, तो AB कितनी आ गई साइड है 7 प्लस 8 15 सेंटीमीटर, BC 14 है ही है, ये x प्लस 6 यानी 7 प्लस 6 13 सेंटीमीटर। तो इस तरीके से हम ये जो साइडें हैं वो निकाल सकते हैं। तो इस तरीके से हमारी जो 14.2 एक्सरसाइज 10.2 एक्सरसाइज जो थी वो कंप्लीट हो चुकी है, मींस 10th चैप्टर जो सर्कल का है वो अच्छी तरह से कंप्लीट हो चुका है। इसे अच्छी तरह से आप अपनी नोटबुक जो है फेयर नोटबुक इसकी तैयार कर लीजिए, ताकि लॉकडाउन के बाद जब भी आप स्कूल में आओ, चाहे आप किसी भी स्कूल में पढ़ रहे हो, जब भी आप स्कूल में जाओ तो आपके टीचर्स ये देख के हैरान हो कि हमारे जो इतने चैप्टर जो है वो कंप्लीट हो चुके हैं, उसके बाद सिर्फ जरूरत पड़े तो रिविजन की, सिर्फ आपको जो एक्सरसाइज नोटबुक कंप्लीट करने का जो झंझट होगा ना वो खत्म हो जाएगा, और उसके बाद सिर्फ आपको रिवीजन करने की जरूरत पड़ेगी, आपके टीचर आपको अच्छी तरह से समझाएंगे, और समझाने के बाद रिटर्न वर्क करना नहीं पड़ेगा, घर जाके सिर्फ हमें प्रैक्टिस करनी पड़ेगी। अब भी आप कंटिन्यू प्रैक्टिस करते रहिए, अपना टेस्ट बनाइए और टेस्ट करते रहिए, ताकि आपको अच्छी तरह से मैथ की तैयारी जो है वो होती रहेगी। और बाकी वीडियो जो NPS दुनिया वाली यूट्यूब चैनल पर आ रही है, जैसे SST की आ रही है, इंग्लिश की है, फिजिक्स की है, केमिस्ट्री की है, या 9th 10th की जो साइंस की वीडियो है, तो आप देखते रहिए, ताकि उससे आप और नॉलेज जो है वो गेन करते रहेंगे। तो आपने वकील गुदारा को सुना, इसके लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।